सो हेलो गाइज, मैं उकलच लेसिंग। मेरे सामने खड़ी है मारुति सुजुकी बलिनो। बलिनो के 4 वेरिएंट्स आते हैं, सिग्मा, डेल्टा, जेटा और एल्फा। 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं आपको बलिनो में, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड डुअल जेट इंजन। डुअल जेट इंजन का ऑप्शन सिर्फ आपको डेल्टा और जेटा में मिलेगा और 2 ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं, मैनुअल और सीवीटी। मारुति सुजुकी बलिनो की प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 5.90 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम दिल्ली और एंड होती है 9.10 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम दिल्ली। आज हम कवर करने वाले मारुति सुजुकी बलिनो जेटा मैनुअल। मारुति सुजुकी बलिनो जेटा मैनुअल का दिल्ली में ऑन रोड प्राइस है 8.06 लाख रुपीज़। सो स्टार्ट करते हैं किस से। स्मार्ट की मिल जाएगी आपको जेटा के साथ। स्मार्ट की के ऊपर लॉक और अनलॉक के बटन्स दिए गए हैं। गाड़ी के फ्रंट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लुक्स हैं फ्रंट से। ग्रिल आपको कुछ ऐसी डिज़ाइन की मिलेगी और ग्रिल के नीचे क्रोम की स्ट्रिप मिल जाती है। सेकंड रेडिएटर ग्रिल आपको बिल्कुल ओपन मिलती है। हेडलाइट्स की बात करें तो आपको प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलाइट्स मिलती हैं। LED DRS मिल जाते हैं और इंडिकेटर आपको बल्ब दिया गया है। हेडलाइट के ऊपर भी क्रोम और ब्लैक एलिमेंट का यूज़ किया गया है। फोग लैंप मिल जाते हैं आपको जेटा वेरियंट में। रिफ्लेक्टर बेस्ड मिलते हैं आपको फोग लैंप्स। साइड से भी काफ़ी डिसेंट लुकिंग है बलिनो। डायमंड कट एलॉय व्हील्स दिए गए हैं जेटा वेरियंट में और एलॉय व्हील्स का साइज है 195/55R16। साइड इंडिकेटर आपको ORVMs में मिलते हैं। क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं और क्रोम की विंडो गार्निश भी की गई है जो कि काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में। अब चलते हैं बैक प्रोफाइल की तरफ। बैक से थोड़ी सी ओल्ड लुकिंग है। बैक में आपको काफ़ी मोटी क्रोम स्ट्रिप मिल जाती है। नीचे वाली क्रोम स्ट्रिप आफ्टर मार्केट लगवाई हुई है। टेल लाइट्स की बात करें तो आपको LED बेस्ड टेल लाइट्स मिलती हैं। इंडिकेटर आपको बल्ब मिलेगा और बैक लाइट भी आपको बल्ब दी गई है। 4 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। यहाँ पे मिल जाएगा आपको सुजुकी का लोगो। रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता। यहाँ पे स्लॉट छोड़ रखा है रिवर्स पार्किंग कैमरा के लिए। वाइपर और डिफोगर मिल जाएंगे। हाई स्टॉप लैंप आपको यहाँ पे मिलता है। स्पॉइलर भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। कुछ ऐसा टाइप का एंटीना मिलता है आपको, शार्क फिन एंटीना नहीं दिया गया। अब खोलते हैं बूट। बूट ओपन करने के लिए इलेक्ट्रिक बटन दिया गया है। पार्सल ट्रे मिल जाएगी आपको बूट में। बूट का साइज़ है 339 लीटर्स। स्टील रिम मिलता है आपको। स्पेयर व्हील का साइज़ है 185/65R15। यहाँ पे बूट क्लोज करने के लिए स्पेस दिया गया है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा आपको ड्राइवर एज वेल एज को ड्राइवर साइड। स्टार्ट करते हैं डोर से। ब्लैक कलर इंटीरियर दिया गया है। यहाँ पे ग्रे कलर की फिनिश मिल जाएगी। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs दिए गए हैं। इस बटन से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं आप ORVMs। लॉक अनलॉक बटन, चाइल्ड लॉक, ज़्यादा पावर विंडोज़ दी गई है। ड्राइवर साइड ऑटो अप डाउन का फीचर दिया गया है। डोर ग्रैब करने के लिए स्पेस। बोतल होल्डर, स्पीकर, 2 ट्विटर भी मिल जाएंगे गाड़ी में। पुश इग्निशन बटन मिल जाता है आपको जेटा वेरिएंट में। यहाँ पे मिल जाएगा हेडलाइट लेवलिंग स्विच और नीचे पर्स वगैरह रखने के लिए कंपार्टमेंट। AC वेंट्स के अराउंड आपको ग्रे फिनिश मिलती है। बात करें स्टीयरिंग व्हील की, स्टीयरिंग पे आपको क्रोम एलिमेंट्स मिल जाएंगे। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। लेफ्ट साइड आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिलते हैं और यहाँ पे मिल जाएंगे आपको वॉइस कमांड के बटन्स और राइट साइड आपको किसी टाइप के बटन्स नहीं मिलते। स्टीयरिंग टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों टाइप एडजस्टेबल मिलता है। बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, एनालॉग डिज़ाइन में मिलता है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेफ्ट साइड टैकोमीटर, बीच में MID और राइट साइड आपको स्पीडोमीटर दिया गया है। MID आपका फीचर रिच मिलती है। MID में मिल जाएगी आपको क्लॉक। अभी डोर कौन सा ओपन है ये दिखा रही है। एवरेज रेंज, ओडोमीटर, टेम्परेचर, ड्राइविंग टाइम, रियल टाइम टॉर्क एंड पावर भी देख सकते हैं आप। इस बटन से ट्रिप्स वगैरह सेट कर सकते हैं आप। लेफ्ट साइड मिल जाएंगे आपको वाइपर्स के कंट्रोल और राइट साइड हेडलाइट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। इंफोटेनमेंट की बात करें तो आपको टच स्क्रीन मिल जाएगी विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। फिजिकल बटन्स नहीं मिलते आपको इंफोटेनमेंट के साथ। यहाँ पे आपको मिल जाएगा हैजार्ड लैंप। ऑटोमेटिक सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। लेफ्ट साइड मिल जाएंगे आपको फैन स्पीड के कंट्रोल्स और राइट साइड मिल जाते हैं आपको टेम्परेचर के कंट्रोल्स। यहाँ पे मिल जाएगा आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और USB पोर्ट। फ़ोन वगैरह रखने के लिए कंपार्टमेंट। 2 कप होल्डर्स मिलते हैं आपको फ्रंट में। 5 स्पीड मैनुअल के साथ मिलेगी आपको बलिनो। गियर नॉब पे क्रोम एंड ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिल जाएगी। यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस दिया गया है। मैनुअल हैंड ब्रेक दी गई है। आर्म रेस्ट मिल जाएगा आपको जेटा वेरिएंट में। नॉर्मल स्पेस मिल जाता है आपको आर्म रेस्ट में।
ऑटोमेटिकली डिमिंग आई एस मिलता है, दो रीडिंग लैम्प मिलते हैं फ्रंट में, हेलोजन बल्ब सुनते हैं आपको रीडिंग लैम्प में, माइक भी यहीं पे दिया गया है, फोर्ड ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर दिया गया है, सनवाइजर इतना ब्लॉक करता है साइड विंडो को, और ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता। ग्लव बॉक्स का साइज काफ़ी बढ़िया मिलता है। डैशबोर्ड पे हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, काफ़ी कुशनी सीट्स मिलती हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको फ्रंट में, ड्राइवर सीट 8 वे और को ड्राइवर सीट 6 वे एडजस्टेबल मिलती है, हाइट एडजस्ट करने के लिए लीवर। अब चलते हैं बैक सीट्स पे। पावर विंडो का बटन, डोर ग्रैब करने के लिए स्पेस, डोर हैंडल्स क्रोम में मिलेंगे, बोतल होल्डर, स्पीकर। अब देख लेते हैं गाड़ी का स्पेस, काफ़ी बढ़िया स्पेस देखने को मिल जाता है आपको बलिनो में। ड्राइवर सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 5'10". रियर सीट्स पे भी आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, यहाँ पे भी छोटा सा कंपार्टमेंट दिया गया है, पीछे भी आपको एक रीडिंग लैम्प मिल जाएगा। रियर सीट्स के हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं, आर्मरेस्ट नहीं मिलता। अब देख लेते हैं गाड़ी का इंजन, बलिनो में आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर VVT इंजन मिल जाएगा, जो पावर निकालता है 82 BHP और टॉर्क निकालता है 113 Nm। बोनट में इंसुलेशन कर रखी है। बलिनो की सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो आपको 2-स्टार रेटेड मिलती है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको मिल जाएंगे 2 एयरबैग्स, ABS, EBD, एंटी पिंच ड्राइवर विंडो, आइसोविक्स चाइल्ड सीट माउंट एंड मेनी अदर थिंग्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं आप, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।